भाजपा की ओर से पूरे देश में पार्टी के सशक्तिकरण अभियान का चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर में प्रवीण दटके, इनके नेतृत्व में शहर में हर बूथ पर 30 सक्रिय कार्यकर्ताओं का चयन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रभाग क्रमांक 25 के बूथ बैठक के दौरान दी। पार्टी सशक्तिकरण योजना द्वारा जनता तक मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में की गई योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है, ऐसा बावनकुले इन्होंने कहा। नहीं, संपूर्ण देश भर बूथ सशक्तिकरण अभियान पक्षाचं सुरू आहे। माननीय प्रवीण दटके यांच्या नेतृत्वामध्ये नागपूर शहरातल्या सर्व बूथवर 30-30 सक्रिय कार्यकर्त्यांची नेमणूक करणे, एका बूथवर 30 कार्यकर्त्यांची, सोबतच मोदी सरकारनी माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलेल्या 8 वर्षाच्या कार्यकाळाच्या योजना प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवणे, विरोधी पक्षामध्ये जो असंतोष आहे त्या असंतोषामध्ये काही आम्ही पक्षीय प्रवेश करणे आणि स्थानिक काही समस्या सुटल्या असतील तर स्थानिक समस्येवर विचार विनिमय करणे, त्याला न्याय देणे अशा 8-10 विषयाची बैठक होती। आज जवळपास प्रमुख कार्यकर्ते बैठकीला हजर होते, प्रमुख नेते हजर होते, प्रवीण दटकेजी सुद्धा हजर होते आणि मला वाटतं की या बूथ सशक्त अभियानातनं आम्हाला 51% मतदान भारतीय जनता पक्षाला कसं मिळेल याची तयारी आम्ही सुरू केली आहे। मनपा इलेक्शनचा भाग वेगळा आहे, महाराष्ट्र आणि देशामध्ये संपूर्ण देशाच्या बूथवर, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बूथवर 97,646 बूथवर महाराष्ट्राच्या हे अभियान सुरू आहे। नागपूर जिल्हा शहरामध्ये मी प्रत्येक शुक्रवारी शनिवारी जवळपास 10 बूथवर जातो आहे आणि संपूर्ण देशातले कार्यकर्ते बूथ संपर्क अभियानामध्ये काम करतात। साथ ही बावनकुले बोले की विपक्ष में बड़ी मात्रा में असंतोष दिखाई दे रहा है, इसलिए पक्षीय प्रवेश करना, स्थानिक समस्याओं को सुलझाने पर विचार विनिमय करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।